पहले जम्मू कश्मीर का अलग एक ध्वजा था, अब पूरे देश का ही ध्वजा वहाँ फहरता है। जो फिल्म के अंदर दिखाया गया, दर्शाया गया, कितना सच पहले की अपेक्षाएं कुछ सच था, और हर जगह वो चीज़ सच फिट नहीं होती है, लेकिन पिछले की बात है तो ऐसा 80% जनसंख्या के साथ ऐसा हो रहा था। पत्थरबाजों की बात की जाती थी कि पत्थर मार दिए जाते हैं, कितना सच है वो तो अभी भी होता है, वो तो अभी भी हो सकता है कभी कभी। ये बोला गया मोदी सरकार में कि अब पत्थरबाजी बंद हो। अभी घटना तो दो तीन चार दिन की घटना है, अभी भी 5 सिपाही मारे गए, ऐसा तो कभी रुक नहीं सकता ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अगर बात की जाए धारा 370 की, तो उसके बाद से धारा 370 हटाने के बाद जो है बीजेपी की वाहवाही होने लगी, मोदी सरकार की जय जयकार होने लगी। कुछ लोग जो है वो कश्मीर से आए हैं। याद होगा कि पिछले साल जो है एक मूवी भी आई थी जिसमें विवेक अग्निहोत्री ने जिस मूवी को बनाया था कश्मीर फाइल्स के नाम थे, और कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसके बारे में दिखाया गया था। कुछ लोग कश्मीर से यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, और कश्मीरी पंडित हैं। जो फिल्म के अंदर दिखाया गया, दर्शाया गया, कितना सच पहले की अपेक्षाएं कुछ सच था, और हर जगह वो चीज़ सच फिट नहीं होती है। यह रहता है, कुछ जगह ये चीज़ सही थी और कुछ जगह ये चीज़ सही नहीं थी। कुछ लोगों के पास जो ये चीज़ मिल रही थी उन्हें धमकाया जा रहा था, उनको जो चीज़ फिल्म में दिखाया वो पीड़ित किया जा रहा था, लेकिन कुछ लोग कुछ जगह लोग प्रेम से भी रह रहे थे। लेकिन पिछले की बात है तो ऐसा 80% जनसंख्या के साथ ऐसा हो रहा था, 80% जनता के साथ ऐसा हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं सच दिखा, कहीं ना कहीं तो पहले की बात थी। पहले तो अंग्रेजों ने भी भारत अत्याचार किया था, उसको भी तो मायने रखते थे। पहले क्या था, जमाना क्या था, और एक शताब्दी पहले की बात है, और अब क्या बात चल रहा है, ये तो अब चल रहा है। अच्छा, अब क्या हालात हैं कश्मीरी पंडितों की अगर बात की जाए तो, अब कैसे हालात हैं कश्मीर के? सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से कुछ ना कुछ तो बेटर सुधार हुआ है। जब से 370 हटाई गई है तब से देखा गया है कि ये हमारे तिरंगे की और ये बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिनको लागू करने से कुछ जनता को हुआ है, और जनता उसमें रहकर अच्छा मतलब उन्हें बेटर फील हुआ है। मतलब योगी मोदी सरकार से खुश हैं? खुश क्यों नहीं होंगे, इससे क्या है हमारे देश की एक तो एकता बढ़ी है, क्योंकि पहले क्या है वहाँ जो भी अलग अलग नियम थे और कुछ लोग हमारे देश का सम्मान भी नहीं करते थे वहाँ, अब करते हैं और देश की जनता को हर तरीके से मानते भी हैं। पहले तो ऐसा नहीं था ना, जब 370 थी तो उससे एकता बढ़ी है। अब धारा जैसे 370 हटाने से कहीं ना कहीं रोजगार के ऊपर इसका असर पड़ा, लगता है कि ऐसा हुआ है कुछ धारा? उससे क्या है कि वहाँ लोग जाने से डरते नहीं हैं, और जहाँ लोगों में जाने आने की वो प्रेरणा बढ़ी है, और लोगों को अच्छा भी लगने लगा है कि जहाँ जाते लगता है कि हाँ हमारे अपनत्व की भावना है, क्योंकि हमारे प्रति वो अब लगता है कि क्लोज आ गया कश्मीर। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि लगता था कि 370 है तो अलग है, बिल्कुल माहौल अलग है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा, जो पत्थरबाजों की बात की जाती थी कि पत्थर मार दिए जाते हैं, कितना सच है वो? तो अभी भी होता है, वो तो अभी भी हो सकता है कभी कभी। ये बोला गया मोदी सरकार में कि अब पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। अभी घटना तो दो तीन चार दिन की घटना है, अभी भी 5 सिपाही मारे गए, ऐसा तो कभी रुक नहीं सकता ना। कहीं होता है, लेकिन कुछ मायने में कम हुआ, ये ऐसा नहीं कह सकते पूर्व बंद हो गया और या रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए उस पर, रोक पाबंदी लगा दी, ऐसा कुछ नहीं कह सकते ना। अच्छा, राहुल गांधी भी गए थे अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वहाँ पे तिरंगा फहरा के आए थे विजय चौक पे, कैसा लगा कि क्या लगता है कि वो तो ये कहते हैं कि ये तो हमारे ही पूर्वजों की जगह है, हमारे पूर्वजों ने बसाया है कश्मीर को। क्यों, उनके पूर्वज सरकार चला रहे थे तो उनके पूर्वजों की जगह है, क्या इसमें उन्होंने क्या गलत कहा है? कुछ लोग पंडित थे तो उनके पूर्वज थे, जैसे किसी के भगवान श्री राम पूर्वज थे तो किसी के भगवान श्री कृष्ण पूर्वज थे, पूर्वज तो पूर्वज ही रहेंगे ना। नहीं, लेकिन अब उन्होंने जैसे तिरंगा जिस तरीके से फहराया वहाँ पे, क्या लगता है पहले फहरा सकते थे जब धारा 370 थी? पहले उनका ये दायित्व तो फहरा सकते थे, लेकिन वहाँ की जनता नहीं फहराती थी पहले, अब जनता भी फहराती है। जैसे मैं पर्सनली आप जाओ तो वहाँ आप तो फहरा सकते हो, लेकिन ये और लोग हैं वो तो नहीं फहराते थे ना, लेकिन अब सरकार के कार्यों से वो लोग भी फहराने लगे हैं, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर का अलग एक ध्वजा था, अब पूरे देश का ही ध्वजा वहाँ फहरता है, ये तो आपको मतलब हालात जो है वो सुधरे हैं मोदी सरकार? जी सुधरे हैं। तो कश्मीर में जो है वो कैसा देखा जा रहा है फिर मोदी सरकार? ये देखा, ये मैं हर जगह तो नहीं घूम सकता ना, मैं बता सकता हूँ, मैं अपने नजरिए से बता सकता हूँ कि ठीक है, और थोड़े और बेटर काम होंगे तो और भी बेटर रहेगा, उम्मीद है, मतलब उम्मीद है जी। कश्मीर की जनता क्या आपकी बार मतलब क्या फिर से जो है ना मोदी सरकार को लाने की तैयारी में? ऐसा मैं राजनीति के मामले में कह नहीं सकता कि कौन क्या करेगा, मैं कैसे कह दूंगा, लेकिन लगता है कि ठीक है माहौल, और देश के हित की बात है तो जनता को भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए। ये बोला जाता है कि पहले आतंकवाद था वहाँ पे, अब कितना लगता है कि अब आतंकवाद थोड़ा कम हुआ है?
जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन हटे हैं लगे हैं तो हटे, पहले क्या है कि लोगों की चलती थी हिंसा को, वहाँ की लोकल गवर्नमेंस को इतना महत्व दिया जाता, अब ऐसा नहीं है ना, तो कम होंगे जाहिर सी बात है। आप भी इस मामले में जानती हैं, बस मुझसे कहना चाहती हैं ये मैंने बता दिया आपको। बिल्कुल, आप अगर कहेंगे तो ज़्यादा ऊंची आवाज़ जाएगी, बुलंद आवाज़ होगी। ठीक है, और बताइए, मैं तो बता दिया आपको, और जो पूछना चाहेंगे और बताएंगे। जी, तो देखिए कश्मीर के लिए जो है इन्होंने बताया कि धारा 370 हटने के बाद जो है कश्मीर वाकई में ही उसमें बदलाव हुआ है, और कहीं ना कहीं अब कश्मीर के लोग जो हैं वहाँ पे खुश नजर आ रहे हैं। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।